सबसे सटीक सर्वे इंडिया न्यूज हरियाणा का, 10 सीटों में से 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। रोहतक, सोनीपत, सिरसा और इसके अलावा बीजेपी की बढ़त की बात करें, 7 सीटों पर कमल खिल रहा है। बीजेपी का दावा यह कि 11 कमल खिल रहे हैं, लेकिन सबसे सटीक एग्जिट पोल इंडिया न्यूज हरियाणा का ये बता रहा है कि सिरसा, रोहतक और सोनीपत, ये तीनों सीटें बीजेपी के पास नहीं आ रही हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं, 10 सीटों का सटीक सर्वे इंडिया न्यूज हरियाणा बता रहा है आपको कि कुरुक्षेत्र, करनाल, फरीदाबाद, गुड़गांव, अंबाला, ये इन सीटों को मिलाकर, हिसार की बात करें, इन 7 सीटों को मिलाकर ये बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं। और वहीं बात करें तो कांग्रेस के लिए सिरसा, रोहतक और सोनीपत अच्छी खबर देती हुई दिख रही है। बहुत खास पैनल हमारे साथ लगातार अब चर्चा के लिए मौजूद है। हमारे साथ सीमा भारद्वाज जी हैं बीजेपी से, और कांग्रेस से विजय कौशिक जी हैं, जेजेपी से अरविंद भारद्वाज, आम आदमी पार्टी से मनवीर छिल्लर। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले रुख सीमा भारद्वाज जी आपका, जिस तरह की स्थिति है, कितना आप इनसे इत्तेफाक रखते हैं हमारे सर्वे से कि आप 10 का दावा कर रहे थे 11 का, उसमें 3 सीटें आप लूज कर रहे हैं। हम आज भी 10 का ही दावा कर रहे हैं। ये एग्जिट पोल है, परिणाम अभी आना बाकी है। और जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, आप माइक ले लीजिए, हम आज भी यही दावा कर रहे हैं जी। ये एग्जिट पोल है, परिणाम नहीं है, परिणाम अभी आना बाकी है। और जिस तरह के दावे विपक्ष कर रहा है, 60 साल एक छत्र राज करने के बाद भी अगर वो केवल 3 सीटों की बात कर रहा है, वो भी एग्जिट पोल में, तो यकीनन आप मानकर चलिए ये 3 भी नहीं आ रही हैं। ये 3 भी नहीं आ रही है। कांग्रेस के हमारे साथी विजय कौशिक जी, कौशिक साहब, 3 भी नहीं आ रही है। देखिए, जो भी लोग इतिहास में अहंकार के शीर्ष पर सवार होकर आम जनता को कीड़े मकौड़ों की तरह देखते हैं और अपनी तानाशाही से, अपनी नीतियों से उन्हें कुचलने का काम करते हैं, वो कभी ये विश्वास ही नहीं कर पाते कि एक दिन जनता उन्हें धराशाही कर देगी। आपको मालूम होना चाहिए कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को कुछ मामलों में दोषी करार दिया गया है और जेल जाने वाले हैं। तो भारत में भी परिस्थितियाँ बदलेंगी, और जो ये मोदी जी और इनके जो अंधभक्त हैं, जो सपना पाले हुए हैं मोदी जी के, देश की जनता को, देश की जनता भेजेगी और उनके कर्म भेजेंगे जो उन्होंने घोटाले किए हैं। इस तरह का हमारा सर्वे है कि 3 सीटों पर आप अगर जनता भेजती तो आप केवल 3 का ही दावा क्यों कर रहे हैं? आप पूरी 10 का दावा करिए ना। ये हमारा सर्वे नहीं, मैंने कोई 3 का दावा नहीं किया, हम तो 10 की 10 सीट जीत रहे हैं। ये हमारा एग्जिट पोल है। आप कौशिक साहब, आप बताइए, आप क्या देखते हैं, क्या स्थिति देखते हैं आप? देखिए, ये कि आप 10 की 10 जीतेंगे, ये बात तो नहीं चलने वाली। नहीं नहीं, सुनिए मेरी बात। हम दावा 10 की 10 सीट का कर रहे हैं और हम 8 तो कम से कम किसी भी विपरीत परिस्थिति में जीतने की स्थिति में हैं। और जो हरियाणा के अंदर जो चुनाव हुआ वो 3 प्रमुख मुद्दों पर हुआ। एक तो कांग्रेस का अपना जो परंपरागत वोट बैंक है, कांग्रेस पार्टी ने जो काम कराए हैं, जिसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने चाहे मेट्रो को लाने, रोजगारी की, कुशासन की, तो लोगों को पुराने काम याद आ जाते हैं कि किसने क्या किया था। चौटाला को लोग आज तक नहीं भूले कि उसने हरियाणा को किस तरह से बर्बाद किया था, आज भी जनता से जाकर पूछ लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, ये 3 मुद्दों पर चुनाव था कि एक तो जो कांग्रेस का वोट बैंक, वो कांग्रेस की तरफ ही आया है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो वोट बसपा को जाते थे वो भी इस बार कांग्रेस को आए हैं। और जो सबसे बड़ा मुद्दा कि मोदी जी ने जिन लोगों को ये कहकर थोपा था कि भाई ये जैसे भी हैं मैंने तुम्हारे ऊपर थोप रहा हूँ, इन्हें फिर से वोट दे देना, तो जनता ने बार बार थोपे जाने वाले उम्मीदवारों को नकार दिया। 8 सीट आपके हिसाब से आ सकती है, 2 सीट कौन सी लूज कर रहे हैं? देखिए, उसमें परिस्थिति है, मैं उनकी अभी बात नहीं करूंगा, लेकिन जो मजबूत सीटें हैं मैं आपको बता सकता हूं। सुनिए ना, मैडम कह रही 10 की 10 सीटें ही, तो सारा नाम नहीं, नहीं, नहीं। आप कह रहे हैं कि 8 सीटें आ नहीं है, तो कौन सी 2 सीटें आप लूज कर रहे हैं? आपके हिसाब से टक्कर कहाँ है फिर? हाँ, कांटे की जो टक्कर, जिन सीटों पर हमें थोड़ा संशय है, वो हिसार को लेकर है और थोड़ा गुड़गांव को लेकर है। और हमें उम्मीद है कि ये सीटें भी हम जीतेंगे, जो फीडबैक वहाँ से आया है। तो इस तरह हम हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतने जा रहे हैं। मनवीर छिल्लर जी हैं, डॉक्टर मनवीर छिल्लर, आम आदमी पार्टी के, आपके एक उम्मीदवार लड़ी रहे हैं,
लेकिन हमारा जो एग्जिट पोल है उसमें ये स्थिति बीजेपी के खाते में, नवीन जिंदल के खाते में सीट दिख रही है, कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे, क्या सोचते हैं? देखिए सर, ये आपका एग्जिट पोल है, लेकिन जो जनता का एग्जिट पोल है उस एग्जिट पोल में जनता से बात करके ही हमने ये एग्जिट पोल बनाया। देखिए वो क्या, अगर जनता से बात करके बने हैं तो क्या इससे पहले एग्जिट पोल से सारे सच हुए हैं? कितने ही एग्जिट पोल्स हैं जिनमें अगर आप देखेंगे कि एक्यूरेसी तो मुश्किल से 10% की एक्यूरेसी है, 90% की एक्यूरेसी इंडिया न्यूज हरियाणा की रही है। 2014 में हमने बताया था 60 सीटें, और इसके अलावा 2019 में हमने बताया कि 10 की 10 सीटें बीजेपी ले रही है। इसके अलावा हमने ये भी बताया, आपको बता दें हमारे दर्शकों को अच्छे से याद होगा, 2019 में हमने ही बताया कि जिस तरह की स्थिति बीजेपी की सरकार की बनेगी वो पूरे मैंडेट के साथ नहीं बनेगी, ये हमारा रिकॉर्ड रहा है। आम आदमी पार्टी का भी ये रिकॉर्ड रहा है, आपके जितने भी सर्वे किए आपने किसी में भी आम आदमी पार्टी को सर्वे में जीता हुआ नहीं दिखाया, और आम आदमी पार्टी सर्वे में कभी नहीं आती, सीधी सरकार में आती, आप इतिहास उठा के देख लीजिए। इसके साथ ही बिल्कुल जनता का एग्जिट पोल बिल्कुल क्लियर है, इंडिया सरकार बना रहा है, पूरे बहुमत के साथ सरकार बना रहा है। और एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंसान इंसान को चुनता है, क्योंकि इंसान इंसान का दुख दर्द समझ सकता है। जब अवतार की बात आती है तो इंसान अवतार को नहीं चुनता, इंसान को ही चुनता है। तो इस बार मोदी जी की विदाई बिल्कुल तय है, पूरे देश में से, हरियाणा में से, हर जगह से इंडिया गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ एक स्थिर और मजबूत सरकार देने जा रहा है। चलिए, एनडी गठबंधन सरकार में आएगा ये दावा कर रहे हैं, मैं सीमा भारद्वाज जी से इस पर जवाब लूंगा, लेकिन अरविंद भारद्वाज जेजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं और प्रवक्ता भी हैं। भारद्वाज साहब कहाँ देख रहे हैं अपनी पार्टी को, पहले तो मैं ये अपना जो एग्जिट पोल है इस पर आपका रिएक्शन चाहूँगा। सोलंकी जी, हमने अच्छा चुनाव लड़ा हमारी पार्टी ने, और दूसरी ऐसी पार्टी है हरियाणा में हमारी जो 10 की 10 सीटों पर लड़ी। ये जो राष्ट्रीय दल अपने आप को बताते हैं और तथाकथित बहुत लंबे समय तक हरियाणा और देश की राजनीति पर जिन्होंने राज किया है, जिनकी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी 10 सीटों पर लड़ने का मादा नहीं रख पाई, इन्हें भी गठबंधन करना पड़ा। जबकि ये कहते थे कि हरियाणा में एक तरफा लहर है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की, कांग्रेस की, उसके बावजूद इन्हें हरियाणा में लड़ने के लिए बैसाखियों की जरूरत पड़ी। हमने चुनाव लड़ना चाहते थे, वो एक समय था कि जब हम अलायंस में थे, उसके बाद अलग होने के बाद हमारे पास कई विकल्प थे, हम चाहते कुछ सीटों पर लड़ते, हम चाहते ना भी लड़ते, परंतु हमने 10 की 10 सीटों पर लड़ना तय किया हमारी पार्टी ने, और ये हिम्मत हमने दिखाई कि हरियाणा की 10 की 10 सीटों पर लड़कर अपने सर्वे से कुछ आप इत्तेफाक नहीं, सर्वे तो अब 2 दिन की बात है सोलंकी जी, सारा रिजल्ट ही सामने आ जाएगा। हमें बिल्कुल बिल्कुल, हमने 10 की 10 पे अच्छा चुनाव लड़ा है, और देखें उम्मीद है हमें कि जरूर जनता, हरियाणा प्रदेश की जनता हमें मौका देगी, हमारा साथ देगी। हमारी जो लड़ाई है, मैं बताऊं सोलंकी जी, देखिए 10 सीटों पर लड़कर हम कोई केंद्र में सरकार तो बना नहीं सकते, ना हम इंडिया अलायंस का हिस्सा थे, ना हम एनडीए का हिस्सा थे। हमारा प्रयास सिर्फ ये था कि हरियाणा का अपना कोई नेता, हरियाणा का जो नेतृत्व करे वो लोकसभा में चुनकर जाए, जैसे दुष्यंत चौटाला जी जब हिसार से चुनकर गए थे, उन्होंने ऐसे बड़े, बहुत बड़े बड़े काम थे, चाहे वो ट्रैक्टर को जैसे कमर्शियल करने की बात थी, जहां कांग्रेस इतनी बड़ी राजनीतिक दल होकर भी नहीं बोला, परंतु हम बोले कौन कौन सी सीटों पे, हमने सभी जगह अच्छा लड़ा सोलंकी जी। अब तो रिजल्ट तो 2 दिन बाद ही पता चल जाएगा, मैं क्या किस सीट के बारे में जिक्र करूं, सभी जगह हमने हिसार में बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, हमने भिवानी में अच्छा लड़ा, हमने गुरुग्राम में बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, उम्मीद से बेहतर चुनाव गुरुग्राम का मैं मानूंगा। जो हमारे प्रत्याशी है फाजिलपुरिया, राहुल फाजिलपुरिया, उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। करनाल में खुद खट्टर साहब के सामने जो देवेंद्र जी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत अच्छा चुनाव लड़ा कादयान जी ने। तो इसी तरह सभी जगह अच्छा प्रयास किया हमारी पार्टी ने। उम्मीद यह है कि पिछली बार से जो हमारा लोकसभा का जो प्रदर्शन था हमारी पार्टी का, उससे बेहतर प्रदर्शन पार्टी करेगी, और हम उम्मीद करते हैं कि हरियाणा का अपना जो नेता है, अपना हरियाणा का जो नेतृत्व है वो चुनकर जाएगा और हरियाणा की बात लोकसभा में रखेगा। चलिए, हरियाणा की बात लोकसभा में रखेगी जेजेपी, लेकिन जिस तरह की स्थिति है, हालांकि कह रहे हैं कि अच्छा चुनाव लड़ा है लेकिन ग्राउंड पे वो स्थिति दिखी नहीं है। सीमा भारद्वाज जी ये कह रहे हैं कि जो कौशिक साहब ने कहा कि, और चाहे छिल्लर साहब ने भी यही स्थिति बयान की कि आपकी जो विदाई होनी तय हो गई है, वो स्थिति नहीं है कि ये जो आंकड़ा है वो 8 तो रहना ही रहना, वो तो दावा कर ही रहे हैं, 2 पे वो टक्कर मान रहे हैं। तो आप किस तरह से कह रही हैं कि ये एक बार फिर मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, 400 पार, इस तरह की स्थिति किन सरकार सरकार आ गई है, समझ लीजिए सरकार आ गई है तीसरी बार,
आप तैयारी करें स्वागत की मोदी जी के की। और जहाँ तक विपक्ष का कहना है कि भाई हम 10 की 10 ला रहे हैं और एग्जिट पोल आप कह रहे हैं कि हमारा सही होता है, 2019 में भी सही रहा, 2014 में भी सही रहा, और आप कह रहे हैं कि आप नहीं आ रहे हैं, तो मैं तो समझती हूँ विपक्ष अपना समय खराब कर रहा है यहाँ होकर, क्योंकि इनको ना मीडिया पर भरोसा है और ना इनकी पार्टी को अपने प्रत्याशियों पर। 20 दिन पहले तक प्रत्याशी भी घोषित नहीं होते हैं, महीना भर पहले तक, और खेल चलता है कि टिकट किसको दी जाएगी। तो जब आपका प्रत्याशी तय नहीं है, आपका मीडिया पर स्तंभ नहीं, भरोसा नहीं है, ये तो लोकतंत्र का स्तंभ कहा जाता है, तो आपका चुनाव लड़ना बिल्कुल बेमानी रहा। आप बिल्कुल हार रहे हैं और आप हार चुके हैं, क्योंकि आपके भीतर की लड़ाई, आपके भीतर की लड़ाई सामने आ गई थी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा, माननीय मोदी जी जो चुनाव लड़ते हैं, वो वसुधैव कुटुंबकम को, अंत्योदय के नारे को लेकर चलते हैं, और जनता उनके साथ है और साथ रही है। मैंने कहा ना, 60 साल के इनके शासन को ध्वस्त कर दिया गया और वो ध्वस्त ही है। और अब 10 साल में तंग आ गए लोग, अहंकार तो देखिए, कह रहे हैं 60 साल के शासन को ध्वस्त कर दिया गया। अगर 10 साल में लोग तंग आए तो आपका अटल बिहारी जी के साथ क्या किया था पब्लिक ने? इनको लेकर क्यों नहीं आ रहा आपका एग्जिट पोल? इनको लेकर ही तो एग्जिट पोल है। हाँ कौशिक साहब, आप कह रहे हैं जनता परेशान है, तो आपका एग्जिट पोल क्यों नहीं दिखा रहा है? देखिए, एग्जिट पोल आपका अपना एक नजरिया है, वो सारी जनता का विजन नहीं है। ना आपने प्रत्येक व्यक्ति से जाकर ये पूछा कि उसने किसको वोट दिया, और ना ही लोग बताते हैं। ठीक है, आपने कुछ लोगों से पूछा, विचार के आधार पर ही होता है एग्जिट पोल, जनता से बातचीत करके ही होता है। सुनिए, बड़ा सैंपल लेते हैं, उसके बाद ये देश की जनता के सामने एक चुटकुला है। आप हर व्यक्ति का क्या फेवर में जाता है तब जो नहीं नहीं होता। मुझे एक चीज बताइए, क्या आपने हर एक वोटर से पूछ लिया ये बताइए कि किसने किसको वोट दी है? तो आप 3 सीटें भी मना कीजिए, इनके एग्जिट पोल के आधार पर आप 3 हम तो कहते रहे हम 10 जीत रहे हैं, हम कहते रहे 10 जीत रहे हैं, हम तो मना कर ही रहे हैं 3 सीटों के लिए, हम तो कह रहे हैं 10 जीत रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? अपना समय खराब कर रहे हैं यहाँ, अगर आपको इन पर भरोसा नहीं है, बात बताइए, आपको इन पर भरोसा नहीं है, चलो हम समय खराब कर रहे हैं अपना, तो आप यहाँ किस लिए आई है बता दीजिए? मीडिया पर, मीडिया अगर मीडिया पर भरोसा है, मतलब मीडिया आपका दलाल है, एजेंट है क्या? नहीं, आप देखिए, आप फिर उसी ओछी नहीं, आप खुद कह रही है राजनीति, आप खुद कह रही है भरोसा है, अरे देश की जनता को तो भरोसा रहा नहीं मोदी के ऊपर, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आप इस तरह के भाषा, क्या आप लोगों को भाषा पर आपत्ति है, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं। बड़ी सीधी सी बात है, देश के 81 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं के लिए मजबूर कर दिया मांगने के लिए, 81 करोड़ जनता को गरीब बना दिया, तो क्या वो जो गरीबी भुखमरी बेरोजगारी से पीड़ित जनता है? आप कह रहे हैं कि गुड़गांव में टक्कर है, ये आप 8 सीटें तो जीत रहे हैं, यहाँ क्या गलती हो गई, क्या कमी रह गई आपसे कि जो आपको यहाँ टक्कर उठानी पड़ रही है, बाकी सब जगह जीत? मतलब टक्कर होना मतलब गलत है क्या? नहीं, आप और नहीं, नहीं। तो आप टक्कर ही नहीं बता रहे आप, मैं भाई हमारा अपना आंकलन है, हाँ। इसमें क्या बात है, आकलन ही पूछ रहे किस आधार हमारा, है? हमारा आकलन इस आधार पर है कि जो जनता से हमें फीडबैक मिला है उसके आधार पर हम बता रहे हैं, जनता के फीडबैक को कि 8 सीटों पर हम एक तरफा जीत रहे हैं, लेकिन जहाँ कांटे की टक्कर होती है कई बार जनता भी नहीं बता पाती। इस तरह की बात शोभा नहीं, नहीं क्यों शोभा नहीं देती, मतलब मैं आपकी बात मान लूँ, आप मेरी बात ना माने, अरे तो रिजल्ट बताएंगे, पहली बात और ना मानने की, दूसरी बात के लिए थोड़ी बुलाया इस देश में पहली बार एक ऐसी सरकार है जो तानाशाही में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, क्योंकि मोदी जी को मालूम है कि अगर उनकी कुर्सी छिनी तो उनका अगला स्थान जेल में होगा, क्योंकि इतने घोटाले वो कर चुके हैं, उनकी पूरी तैयारी है, इसलिए भगवान से नाक रगड़ रगड़ कर माफी मांग रहे हैं ध्यान के नाम पर कि भगवान किसी तरह से दोबारा कुर्सी दिला दो, इससे पहले भी नाक रगड़ कर माफी मांगी थी भगवान से उन्होंने, अब इनको ध्यान से भी समस्या है। अरे प्रधानमंत्री का जो काम है वो ये है कि देश की जनता को बेरोजगारी से मुक्ति दिलाना, महंगाई से मुक्ति दिलाना, गरीबी से मुक्ति दिलाना। आप लोग नहीं जाते छुट्टियों में, आप 60 साल का शासन करने के बाद, आपको कहते हैं आप 60 साल का शासन करने के बाद जनता ने आपको धकिया दिया, मेरा मोदी जी आपने उन्हें रोजगार दिया होता, मोदी जी आपने उन्हें रोजगार दिया होता तो क्या है आपके 60 साल के बाद? मोदी जी अगर आप जैविक रूप से पैदा नहीं हुए हैं, आप अवतार हैं, तो फांसी पर लटक जाइए, अगर आप जिंदा बच गए तो हम भी अवतार मान लेंगे आपको, ट्रायल कर लीजिए। इनकी शब्दावली में जनता को गुमराह मत कीजिए, इनके पास स्तर ही नहीं है शब्दावली का, समस्या यहाँ है।
समस्या यहाँ है, व्यक्ति अवतार है, ये प्रधानमंत्री की गरिमा, ये पद की गरिमा, प्रधानमंत्री की गरिमा इनके पास नहीं है। आप मीडिया पर सवाल भी उठाते हैं, आप कितनी, आप कितनी बेबाकी से किस तरह की जुबान का प्रयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद भी आप सवाल उठाते हैं मीडिया पे, बड़े अफसोस की बात है। आप किस तरह से पूरा देश मीडिया के ऊपर सवाल उठा रहा है, जब आपके पास विषय की जानकारी नहीं होती, जब आपके पास तथ्यों की जानकारी नहीं होती, आप बताइए चैनलों को मजबूर करते हैं, तो आप इसी तरह की बात करते हैं। डॉक्टर आप बताइए आम आदमी पार्टी ये क्यों, आप क्यों मानते हैं कि आपको जो एक सीट मिली आपके खाते में गठबंधन की आई वो आप जीत रहे हैं, जबकि सर्वे कह रहा है कि नवीन जिंदल उस सीट पे जीत रहे हैं, वो आपसे छिन रही है या आप आपका कैंडिडेट वहाँ हार रहा है, किस आधार पे कह रहे हैं कि आप जीत रहे हैं? देखिए, नवीन जिंदल जी को मोदी जी ने कोयला चोर कहा था, वही कोयला चोर बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल करके आज कोहिनूर कैसे हो गया, ये वहाँ की जनता ने पूछा है। वहाँ की जनता ने देखा कि जब उनको अपने प्रतिनिधि से मिलने के लिए फ्लाइट की टिकट करा के विदेश जाना पड़ेगा तो वो ऐसे प्रतिनिधि को क्यों चुनेंगे। इसके साथ ही देखिए, बीजेपी की प्रवक्ता साथी ने कुछ बातें कही, मैं उन बातों का जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा सरकार आ रही है, हम तो ये कह रहे हैं आपकी सरकार आई हुई थी, अब तो वो जा रही है, और इसका प्रमाण है बडोली जी ने जो बयान दिए हैं आपके ही नेताओं के खिलाफ चुनाव में, रिजल्ट आने से पहले स्वयं इनके प्रत्याशियों ने हार मान ली है। इसके साथ ही बीजेपी दम भरती है, इनके पास खुद के भी, इनके पास खुद के प्रत्याशी तक नहीं थे, सारे आधे से ज्यादा प्रत्याशी उधार के हैं। नवीन जिंदल कहाँ से आए आप बताइए, कहाँ से है धर्मवीर, कहाँ से है इंद्रजीत, कहाँ से, जो प्रत्याशी सारे उधार के, आप अपने प्रत्याशी तक पैदा नहीं कर पाए। आप इंद्रजीत से लेके धर्मवीर, इसके साथ ही 10 साल से सांसद है वो, बीजेपी की इस तरह की बात मत करिए, बिल्कुल इनका कार्यकर्ता नहीं था क्या हरियाणा में, इतने साल से इनका कार्यकर्ता नहीं था, वो दरी बिछाता रहेगा क्या, दूसरा दूसरी पार्टी से नेता आएगा या नेता बन जाएगा? नवीन जिंदल को आधे घंटे बाद टिकट दे दी बीजेपी ने, ऐसी क्या मजबूरी थी? देखिए, हमारे सवाल का जवाब आपने, बीजेपी की प्रवक्ता साथी उस जवाब को काउंटर करो, आपका मतलब आपने राजनीति को बहुत गहन तरीके से पढ़ा ही नहीं है। इन्होंने कांग्रेस के 60 साल के शासन को ध्वस्त कर दिया, आपने 60 साल में जो संविधान ने जो अधिकार लोगों को दिए, जो संवैधानिक संस्थाएं बनाई, जो उनकी स्वायत्तता थी, आपने उन सबको ध्वस्त कर दिया। आज चुनाव आयोग को देखिए आपने किस तरीके से मिसयूज किया, कैसे विपक्ष एक तरफा चुनाव आयोग ने फैसले लिए, कैसे सरकार की तरफ उसने आंखें बंद कर ली, कैसे चुनाव को एक पक्ष में उन्होंने, चुनाव में लोकतंत्र की हत्या होते हुए देखिए, कितनी सारी वीडियो आई है, आप बताइए क्या चुनाव आयोग संज्ञान ले रहा है? लोकतंत्र के साथ ही सुनिए, लोकतंत्र की हत्या आप लोगों को ही क्यों दिखाई देती है, जनता को क्यों नहीं दिखती है? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर किस आधार पर ये कहते हैं कि जो जो अधिकारियों ने गड़बड़ी की है उनकी लिस्ट बनाओ, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनके पास कौन सी ताकत है? आज चुनाव आयोग के पास ताकत है, आचार संहिता लागू है, तो बताइए मनोहर लाल खट्टर के पास कौन सी पावर है और कौन से अहंकार के तहत वो ऐसा कह रहे हैं? आप बताइए मुझे इस बात का जवाब दीजिए। जवाब ले लेते हैं आप, तो बड़े देखिए बौखलाहट हमें, ये बौखलाहट है बीजेपी की, जो खट्टर जी इस तरह से बोल रहे हैं कि भाई धमकियां दे रहे हैं अफसरों को कि भी बाद में निपटेंगे। सीमा जी जवाब दीजिए कि जो स्थिति जिस तरह से ये डॉक्टर छिल्लर कह रहे हैं कि आप लोगों में, एक तो ये बाहरी कैंडिडेट की बात ये लगातार हो रही, क्या आपने अपने कार्यकर्ताओं को मौका देने में दिक्कत कहाँ है, दूसरी बड़ी चीज़ ये जिस तरह से चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिए उन्होंने, जवाब दीजिए। देखिए जहाँ तक आप थोड़ा सहज में सुनाई दे रहा है सबका जवाब, ये आवेश पता नहीं जीत आपको का है। हाँ, आवेश हार का ही है और मैं इससे फ्रस्ट्रेशन आती है, एनर्जेटिक नहीं होता इंसान, शब्दों में हमारी आवेश में ही रही एनर्जी का लेवल देखिए आप, मुझे एनर्जी का लेवल देखिए आप, आप एनर्जी का लेवल देखिए और समझ जाइए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। न्यूज रूम है और हमारे और आपके बीच में बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, अगर बिना माइक के भी बात की जाए तो बड़ी सहजता से की जा सकती है। चलिए कोई भी जवाब नहीं, आवश्यकता नहीं, ठीक है आप माइक हटाकर बात कीजिए, माइक से समझ बिल्कुल ठीक कह रही है, मेरी बात सुनिए, बड़े आराम से बातचीत हो सकती है। जहाँ तक आपने कहा कि आपके कार्यकर्ताओं के लिए जगह नहीं थी, कार्यकर्ताओं के लिए भरपूर जगह है और माननीय मनोहर लाल खट्टर और माननीय प्रधानमंत्री मोदी इसका उदाहरण है कि वो दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता ही रहे और आज देश के और हरियाणा के शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हैं।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। और रही बात कि जब दूसरी पार्टी के बड़े लोग पार्टी को छोड़ करके आते हैं तो आकलन आकलन उन लोगों को करना चाहिए, उन लोगों को अपनी पार्टी का विश्लेषण करना चाहिए कि उनके इतने बड़े नेता उनके इतने बड़े नेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। अपना सर्वस्व दिया उन्होंने आप लोगों की पार्टियों को, अपना सर्वस्व दिया और उसके पश्चात भी पार्टी छोड़कर कोयला चोर को टिकट दे देते हैं। आप मंथन कीजिए, विश्लेषण कीजिए, आप दे आप पार्टी छोड़कर अगर किसी का बच्चा किसी का भाई किसी का बंधु घर छोड़कर जाता है अपने तो सवाल उससे किया जाता है। सुनिए ना, आप सुनिए ना, अगर किसी के घर से उसका परिवार का कोई जन छोड़कर जाता है तो विश्लेषण वो परिवार करेगा ना कि वो परिवार करेगा जहाँ पर वो गया है, उसने तो उसे गले लगाया है। विश्लेषण आप कीजिए, ये राजनीति है। मतलब जिन्हें चोर कहते हैं छगन ब्लैकमेल करके नेताओं को लाते हैं। इसका मतलब ये हुआ अजीत पवार ने जनता को एक तरह से नकार दिया। अजीत पवार में क्या गुण देखा? अजीत पवार में क्या गुण देखा? क्या खासियत देखी? क्या खासियत देखी? आप ये बताइए ना, एक एक करके आपके नेता जेल जा रहे हैं। जवाब दे दिया, अरे आपका सवाल हो गया, उन्होंने जवाब दे दिया, आगे भी बढ़ते ना। ये तो आप कई दिनों से इसी बात को कर रहे हैं। नई चीज बता देते हैं कि जिस तरह से हम सिरसा, सोनीपत और रोहतक इन तीनों सीटों को कांग्रेस के खाते में दिखा रहे हैं, उसकी वजह भी हम आपको बता दें, उस पर भी चर्चा कर लें। दरअसल जो ये वजह आई है अरविंद जी, क्योंकि आप भी काफ़ी समय से राजनीति को बड़े करीबी से देख रहे हैं, आप भी कई पार्टियों में प्रवक्ता भी रहे हैं, ये जो सिरसा का जो गणित बैठ रहा है, क्योंकि वहाँ चौटाला फैमिली का गढ़ माना जाता है। अब वहाँ देखिए ना, वहाँ आप लोगों की तो बात ही नहीं हो रही है। तो आप ये स्थिति क्या देखते हैं कि कितना, मतलब कहाँ चूक हुई आप लोगों से? चौधरी देवीलाल जी का परिवार, सारा सिस्टम, सारा तंत्र, यहाँ जेजेपी का जिक्र ही नहीं हो रहा है। सोलंकी जी, देखिए रिजल्ट के बारे में तो, क्योंकि जब गिनती हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही पता चलेगा। रही बात आकलन की, जो आप कह रहे हैं, जो सर्वे मुकाबला है उसको कैसे देख रहे हैं? सर्वे करके जो आप जो ये रिपोर्ट आपने तैयार की है उसके बेस पे अगर बात करें तो देखिए, ये राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव है और प्रधानमंत्री का चुनाव है, इसे किस तरह से जनता लेती है ये पता चलेगा 4 तारीख को, कि जनता इसे राष्ट्रीय स्तर की राजनीति को देखते हुए, प्रधानमंत्री को देखते हुए वोट करती है, या अपने स्थानीय मुद्दों पर, जो क्योंकि हमने चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ा, हमने इस बात पर लड़ा कि हमारे हिसार की लड़ाई दिल्ली की लोकसभा में कौन उठाएगा, हमने ये मुद्दा बनाया कि सिरसा की लड़ाई कौन लड़ेगा, सिरसा की बात लोकसभा में कौन रखेगा, फरीदाबाद की बात कौन रखेगा, गुरुग्राम की बात कौन रखेगा। अब जनता किस एंगल से लेती है, किस बात पर लेती है, वो तो 4 को पचर है। फिर भी एक बात बड़ी बात कही है सोलंकी जी, एक बात और मैं कहूंगा, जैसे अभी मेरे जो साथी प्रवक्ता हैं वो जैसे बहस कर रहे थे जिन विषयों को लेकर, राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं या जो चुनाव आयोग की बात है, एक मुझे भी एक आपत्ति है भाजपा की ओर से। खट्टर साहब ने जिस तरह से ये बयान दिया, बजाय जबकि चुनाव आयोग के हाथ में है, अब तो जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो चुनाव आयोग के हाथ में है, तो अगर कोई आपत्ति भाजपा को थी किसी अधिकारी से तो शिकायत देनी चाहिए थी। मुझे नहीं लगता अभी तक चुनाव आयोग में ऐसी कोई शिकायत मनोहर लाल खट्टर जी ने दर्ज कराई है, परंतु उसके बावजूद ये बयान देना कि 4 तारीख तक आपका है और 4 के बाद फिर हमारे हाथ में होगा राज, तो इसका अर्थ क्या है? कहीं ना कहीं आप धमकाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप अपनी पावर का मिसयूज करना चाहते हैं, कोई ऐसा प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब ये क्या है? ये इसका अर्थ आज तक भी भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। खट्टर साहब ऐसा कैसे बोल सकते हैं, ये तो चुनाव आयोग के हाथ में, तो कहीं ना कहीं ये घमंड उनको चर्चा में ले आओ। कौशिक साहब ये एक बड़ी चीज थी, राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव था। राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो आप लोग ये नहीं समझते कि इस तरह की चूक हुई या इस तरह की कमी के हम एक फेस नहीं दे पाए। जैसे कि बीजेपी लगातार कहती रही कि मोदी उनके पास 10 साल का देखा हुआ, परखा हुआ, बढ़ता हुआ चेहरा है, लेकिन आप लोगों के पास तो कंफ्यूजन इतना सारा है कि कौन तो किस दल का व्यक्ति बनेगा पीएम। ये जो चीज़ है जो राष्ट्रीय स्तर पे नहीं लगते कि आप लोगों से चूक समझ गया जी। कितने ही राज्य हैं
जिनका मैं दावा करता हूं कि बीजेपी अपना कोई चेहरा डिक्लेयर नहीं कर पाई मुख्यमंत्री का। नहीं ये देश, एक मिनट सुनिए तो सही, देश का चुनाव है ना, मेरी बात तो सुनिए। हाँ हाँ बोलिए। ये देश का चुनाव है, बीजेपी के भी कितने चुनाव हुए हैं जिनमें वो कभी देश का चेहरा डिक्लेयर नहीं कर पाई थी, तो ये परिस्थितियों की बात है। अब जब हम गठबंधन से लड़ रहे हैं तो ये गठबंधन के बाद में जो चुनाव के रिजल्ट आएंगे उसके बाद तय होगा कि देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस की तरफ से कौन होगा, वो आपसी सहमति से होगा, इसलिए पहले हमने चेहरा डिक्लेयर नहीं किया। दूसरी बात, चेहरा आपके पास, सुनिए, मैं मनोहर लाल खट्टर जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो ये स्वीकार कर चुके हैं कि हरियाणा में वो 10 की 10 सीटें हार रहे हैं, इसलिए उन्होंने अफसरों को धमकी दी है कि हरियाणा के अंदर बोगस वोट पोल हुई है बड़े पैमाने पर, यानी कि वो मान रहे हैं कि हरियाणा में वो हार रहे हैं, इसलिए बोगस वोटों का आरोप लगाकर वो इसका ठीकरा अफसरों पर फोड़ना चाहते हैं। हम खुश हैं, हमें लग रहा है कि जो खट्टर जी की बौखलाहट है वो निश्चित तौर पर सीट वाइज बात कर लेते हैं। सीट वाइज बात कर लेते हैं, हम कह रहे हैं कि गुड़गांव बीजेपी के खाते में जा रहा है, आप कह रहे हैं कि नहीं सीधी टक्कर है वहाँ। फरीदाबाद हम कह रहे हैं कि बीजेपी के खाते में जा रहा है, आप कह रहे हैं कि जीत रहे हैं। पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं। हाँ, गुड़गांव आप की बात कह रहे हैं जीत रहे हैं। सुनिए मेरी बात। हाँ। देखिए गुड़गांव के अंदर जब तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज बब्बर जी को डिक्लेयर नहीं किया गया था, परिस्थितियां वहां राव इंद्रजीत सिंह के फेवर में थी, नो डाउट। लेकिन जैसे ही राज बब्बर जी का नाम डिक्लेयर हुआ और उन्होंने जनता के बीच में जाना शुरू किया, तो हमारे पास रिपोर्ट यह है कि गांव हो चाहे शहर हो, शहर के लोगों ने कहा कि भैया हम 15-20 साल से झेल रहे हैं, अब हमारी बर्दाश्त से बाहर की बात है, इतने समय ऐसे देखा है तो एक बार राज बब्बर को भी देख लेते हैं वोट देकर, फर्क तो पता चलेगा। तो इसलिए वहां कांटे की टक्कर बन गई और हमें पूरी उम्मीद है वहां भी हम सीट जीतेंगे। दो का बात कर लेते हैं पहले, फरीदाबाद का और ले ले। फरीदाबाद को तो आप और बेहतर जानते हैं, आपकी फरीदाबाद के अंदर बीजेपी ने जितने भी सर्वे चुनाव पूर्व कराए थे उसमें एक ही चीज थी कि करप्शन पाल के खिलाफ लोगों में जबरदस्त रोष है, व्यक्ति विशेष के खिलाफ, मौजूदा सांसद के खिलाफ, और उसके बावजूद भी टिकट उन्हीं को दे दी गई। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने समझा कि वो किसी भी डाकू को उतार देंगे अपने नाम पर, वो भी जीत जाएगा। नहीं, आप इस तरह की भाषा क्यों करते हैं इस्तेमाल? विजय जी, इनके शब्दकोश में ऐसी ही भाषा है। आपके फरीदाबाद की जनता, इनका स्वयं पर कोई नियंत्रण नहीं है। फरीदाबाद की जनता, इनके पास न विषय है न तथ्य, इनके पास यही भाषा है। लोगों ने जमकर करप्शन के खिलाफ मतदान किया है फरीदाबाद में। कहां पे थोड़ी आप फरीदाबाद से थोड़ी बात कर रहे हैं आप? मैंने कोई भी शब्द ऐसा इस्तेमाल नहीं किया जो संविधान के खिलाफ हो, इस तरह की बात, सामाजिक मर्यादाओं के खिलाफ हो। इनके नेता फरीदाबाद में मंच से बहन बेटियों को गाली दे दे, ये उसका जिक्र नहीं करेंगे। सोलंकी जी, इनके प्रत्याशी नेता फरीदाबाद की बात चल रही है, एक बार सहमत हूँ, करते बात करते कि कृष्ण पाल जी के खिलाफ 10 साल थे एंटी इनकम्बेंसी की वजह से, उनकी खिलाफत थी मैं मानता हूँ, पर कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी थी कि 80 साल के बुजुर्ग जो राजनीति को छोड़ चुके थे उन महेंद्र प्रताप जी को लड़ाया? क्या इनकी पार्टी में कोई और आपने बहुत सही बात कही, सुनिए मेरी बात, और वही इनकी पार्टी में फूट का कारण बना और वही हार का कारण भी बनेगा, महिलाओं के लिए वही हार का कारण भी बनेगा। सार्वजनिक मंच से जवाब ले लिए उन्होंने, महिलाओं के लिए गाली दी और ये हमारे प्रत्याशी पर आरोप लगा रहे हैं। माफी नहीं मांगी है, अब जवाब ले लीजिए कि हमारे पास फरीदाबाद से दो मुख्य कैंडिडेट थे, चौधरी करण सिंह दलाल और चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह। चूंकि चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को हमने वहां से दे दी थी पार्टी ने, और एक सीट और तो जाट कम्युनिटी का कोटा, मतलब आप जाति देखकर टिकट बांटते हैं सोलंकी जी, बड़ी बात है। अरे मेरी इनकी पार्टी में जाति देखकर टिकट मिलती है? अरे सुन तो लीजिए, काबिलियत मायने नहीं रखती, कह गए तो कि वहां दीपेंद्र हुड्डा जी को दे दी थी इसलिए करण दलाल को नहीं दे सकते। हमारे जवाब दे दीजिए, जवाब तो सुन लो मेरे भैया। हाँ, जवाब लेते हैं। हमारे तो नेता राहुल गांधी जी सीधी कहते हैं बात
कि भाई जिस जाति के लोगों की जितनी इस देश में भागीदारी है उन्हें देश की राजनीति में हमारे नेता आप ध्यान से सुनिए, हमारे नेता राहुल गांधी लूट के दे देंगे किसी और को, प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं, मान लीजिए मैं मेहनत करके ईमानदारी से शराब बेच रही हूं, शराब बेचने वाली पार्टी हमारे नेता राहुल गांधी बोल रहे हैं ये बात, और प्रधानमंत्री का चेहरा उनके पास नहीं है। देश का सबसे बड़ा मूर्ख पॉलिटिशियन है राहुल गांधी, हमारे नेता आप स्वीकार कर चुके हैं कि हमारे नेता है वो, उसकी उतनी हिस्सेदारी वैश्य समाज के लोगों को भी आरक्षण देना चाहते हैं, उसके बाद आप हमारे नेता राहुल गांधी और इसके बाद उनकी पार्टी के नजर आएगी 4 जून के बाद भाषा का स्तर और गिरेगा। चाहता है कि इस देश में जनता की लड़ाई हो, राहुल गांधी चाहता है कि इस देश में गहराई हो, राहुल गांधी चाहता है राहुल गांधी किसने किया पॉलिटिशियन इस देश में कोई नहीं है, और आप उस बात को रिपीट कर रहे हैं। जवाब ले, जवाब ले, जवाब नहीं दी एक बुद्धिजीवी होने के नाते, उस बात को आप रिपीट कर रहे हैं। एक मूर्ख दूसरे मूर्ख को अच्छी तरह पहचानता, मैं समझ इतने बड़ा हाथ उठाइए आप कौशिक साहब, झंडा उठाने वाला भी कोई होशियार नहीं है उसका। राहुल गांधी को क्या कहती है इस देश की जनता आपको पता है? अरविंद जी कौशिक साहब, ये जो जाति बिरादरी की जो बात करते हो लगातार, हर इन्होंने हमेशा ही जाति की बात की है, अभी बोल गए आपके सामने कि जाति देख के टिकट बांटते हैं। नहीं तो मोदी जी क्या देखकर बांटते हैं, वो क्या बांटे उसका जवाब बीजेपी वाले देंगे। आपने तो बोला ना मुसलमान, आपने तो बोला ना बता सकते हैं, वो तो जेजेपी की बता सकते हैं, जेजेपी की बता सकते हैं। मोदी जी बोले ओबीसी प्रधानमंत्री, नहीं आप भी सहमत हैं, पहली बार ओबीसी सहमति की बात, आप अपने दिमाग के चश्मे खोलिए। आर्थिक असमानता किस चीज को कहते हैं? आर्थिक असमानता क्या होता है? आर्थिक असमानता क्या होती है आप बताओ? आर्थिक असमानता क्या होती है? ओबीसी प्रधानमंत्री क्या होता है? अरे वो जाति नहीं है, ओबीसी जाति नहीं है, ओबीसी जाति नहीं है। किसने कहा है? कहा ये आपने गलत पढ़ा है, आप ये गलत बयानबाजी करें, गलत बयानबाजी करें। ओबीसी की ओबीसी शब्द का लाने वाला पहला मोदी है, जाति को सबसे पहले लाने वाले मोदी है। जितनी आबादी आपको आर्थिक, आप इकोनॉमी पढ़िए थोड़ा सा, आर्थिक असमानता समझिए। आर्थिक असमानता क्या है? चिल्लाने से बातों में वजन नहीं आएगा, चिल्लाने से बातों में वजन नहीं आएगा। फैक्ट लाइए, फैक्ट दुरुस्त करिए, फैक्ट दुरुस्त कीजिए, फैक्ट दुरुस्त कीजिए। लूट के दे देंगे किसी को, किसको दी, किसने कहा? फैक्ट दुरुस्त, अरे दे दोगे? हमारा भरोसा है, जेल में बैठे हो तुम इन्हीं कामों को। अरविंद जी अब शांत, जेल का 10 साल की जेल का, 10 साल की सजा किसने पूरी की? 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 10 साल की सजा, सजा याफ्ता, सजा याफ्ता पार्टी के प्रवक्ता दूसरों को गिरेबान में झांक रहे, चिल्लाने के बाद में झांक रहे, सजा याफ्ता पार्टी के प्रवक्ता आगे बढ़ने दीजिए। 10 साल की सजा याफ्ता पार्टी, 10 साल की सजा याफ्ता पार्टी, 10 साल की सजा याफ्ता पार्टी के प्रवक्ता, 10 साल की सजा मिली है, 10 साल की सजा किसने काटी? किसने काटी? 10 साल की सजा की बात बात में बहुत पहले ही मेरे इलेक्शन से पहले भी अब बात करते हैं। बीजेपी भी ने अरविंद जी, अरविंद जी शांत, बीजेपी की भी नहीं, मुझे माइक बंद करवाना पड़ेगा, माइक बंद करवाना पड़ेगा, शांत हो जाइए, माइक बंद करवाना पड़ेगा। इंडिया न्यूज हरियाणा का सबसे सटीक सर्वे, 7 सीटें बीजेपी को जा रही है, 3 कांग्रेस के खाते में, रोहतक, सिरसा, सोनीपत। लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा का सर्वे पिछले 10 साल से 90% सटीक रहा है, उसी पे चर्चा की आखिर 7 सीटें बीजेपी के खाते में क्यों, 3 कांग्रेस के खाते में क्यों, इन सभी पर चर्चा लगातार जारी है। मैं आपके पास आ रहा हूँ सीमा जी, ये जो इस तरह की बात हो रही है लगातार, ये मुद्दे रहे जाति से लेकर, महंगाई से लेकर, युवाओं के लेकर, लेकिन आप वो कौन सी ऐसी बात मानती हैं कि 400 पार का नारा, तीसरी बार मोदी जी, 10 बार दूसरी बार प्रदेश में 10 की 10 सीटें, आप तो 11 का दावा कर रहे हैं, एक विधानसभा भी कह रहे हैं, वो ऐसी कौन सी बात, वो कौन सा ऐसा फैक्टर जो आप हरियाणा के लोगों को समझाने में कामयाब रहे, वो बता दीजिए। देखिए, यदि आप युवाओं की बात करेंगे तो कोई दोराय नहीं है माननीय मनोहर जी के राजकाज के समय में बिना पर्ची और बिना खर्ची के
युवाओं को नौकरी मिली है, रोजगार मिला है। यदि आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, पहले 50% पंचायती राज में और अब 33% संसद तक महिलाओं को ले जा करके राजनीति में भी सशक्त किया है। आप देश को आर्थिक रूप से देख लीजिए, सामाजिक रूप से देख लीजिए, सुरक्षा की दृष्टि से देख लीजिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से देख लीजिए। आपको कहाँ तो हरियाणा पीछे नजर आता है। आप सड़कों की स्थिति देख लीजिए, आप यातायात देख लीजिए, आप सेना देख लीजिए। आपको कौन सी ऐसी कड़ी है जो कमजोर दिखाई देती है माननीय मोदी जी और माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में? क्या महिलाएं सुरक्षित नहीं है? हमने जितने भी चुनाव पीछे जीते और बहुमत से आए, सबका सहरा महिलाओं के सिर बंधा, लाडली बहनों के सिर बंधा। ठीक है, मैं आपका जवाब ले लेता हूँ। और दूसरी बात सुनिए विजय जी, सुनिए बहुत बढ़िया जवाब। देखिए आपको भरपूर, आपको भरपूर, आप सुनिए सुनिए, भरपूर सुना गया है, आपको भरपूर सुना गया है, आप मुझे सुनिए, आपको भी भरपूर सुना गया है। आपने ही कहा, आप सुनिए, इन्होंने कहा। बीच में क्यों बोलते हो, एक बार सुन लो। आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे, जब आप बोल रहे थे मैं बिल्कुल चुप थी, मैं बिल्कुल चुप थी। नहीं इस तरह, आप बताइए, आप सुनिए, इन्होंने दो बात की। जब आपने पूछा कि आपके पास प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है, थोड़ी देर पहले इन्होंने ही कहा कि हमारी सीट गुड़गावा की हम जब तक हारी हुई मान रहे थे, जब तक हमारा प्रत्याशी हमारा हारी हुई मान रहे थे, हल्की मान रहे थे, जब तक हमारा प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ था। यानी कि जब तक आपका प्रत्याशी घोषित नहीं होता है, आप अपने आप को कमजोर मानते हैं। ठीक वही बात है, आपका प्रधानमंत्री घोषित नहीं है, इसलिए आप पूरे देश में कमजोर हैं। चुटकुले पर मेरे को ना, चुटकुले नहीं है, आप ही की बात का जवाब है। प्रत्याशी घोषित नहीं है, आपने बोल दिया, जवाब ले लेते। पहली बात कि बीजेपी की स्थिति जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। नहीं, आप पहले अपनी स्थिति बता दीजिए। हमारी स्थिति नहीं, छोड़िए, आप इसी बात का जवाब, अपनी स्थिति बता दीजिए। यदि प्रत्याशी घोषित ना होने पर आप अपने आप को कमजोर मानते हैं, जवाब ले लेते। फरीदाबाद का जिक्र दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। फरीदाबाद का हो गया, सुनता लीजिए, आगे चलिए। बात पूरी नहीं हुई, पहले बात पूरी करें। बात पूरी हो गई, वो बात यह है कि महेंद्र प्रताप को टिकट क्यों दी गई, तो मैं बताना चाहता हूँ कि 3 बार पार्टी ने सर्वे कराया था। उस सर्वे के अंदर ही आया था कि अगर कांग्रेस के कैंडिडेट महेंद्र प्रताप जी होते हैं तो ये सीट कांग्रेस हर हाल में जीतेगी, इसलिए कांग्रेस। सवाल ये है उनका कि 80 साल की उम्र, राजनीति छोड़ चुके आप, दूसरी जो लाइन है, जो सेकंड लाइन, क्या बीजेपी नियमों के मुताबिक 75 साल से ऊपर के प्रधानमंत्री को हिमालय की तरफ भेज देगी? सेकंड लाइन लीडरशिप आप में, आपको लगता नहीं कि एक खामिया खामिया है? 75 साल के लोगों को बर्फ में लगा दिया जाता है, रिटायर कर दिया जाता है जबरदस्ती, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी। जवाब दो ना अरविंद जी, अरविंद जी जवाब दो, क्या दिक्कत है? रिटायर हो रहे हैं, क्या दिक्कत है? पुराने दिग्गज को अगर चुनाव मैदान में उतार दिया, क्या परेशानी है उसमें? जी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी जनता की आवाज पर उतारा सर्वे के रिकॉर्ड के अधेड़ को, 55 साल के अधेड़ को युवा बनाकर पब्लिक के सामने पेश करते रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बेशक घुमाते रहो उसी को, चेहरे को लेकर रिजल्ट 2 दिन में पता चल जाएगा, जिसकी बेस पे ये इतना उछल रहे हैं। दूसरी बात सोलंकी जी, आज जो देश की प्रदेश की जो राजनीति है वो अब वोटर जागरूक है, वोटर पढ़ा लिखा है। अगर उसे ये समझते हैं, राजनीतिक दल ये समझते हैं कि वो मूर्ख है या उसे बहकाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। जनता बहुत जागरूक है और अपने विवेक से डिसीजन लेती है। 2 दिन में पता चल जाएगा इतनी बड़ी बात। और महिलाओं की बात जो कह रहे हैं, देखिए बहुत बड़ी बात है, जो अपने परिवार की महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकते, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकते, अपने घरों में सुरक्षा नहीं दे सकते, वो क्या पूरे समाज की ठेकेदारी लेते हैं? वो क्या प्रदेशों में या देश में सरकार चला के पूरे देश की महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं? खुद केजरीवाल जी के घर में जो घटना हुई है, स्वाति मालीवाल जी, उनके अपने परिवार की सदस्य हैं, पार्टी की सदस्य हैं, तो उसके और उन्होंने जो आपत्ति जताई, जो मुकदमा दर्ज कराया जिसमें उनका पीए जेल गया, वो सारी घटना उनके अपने घर में थी। चिल्लर साहब तो जवाब लेंगे इस बात, मौजूद हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। चिल्लर साहब जवाब दीजिए, आप महिलाओं की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये स्थिति है तो पूरे देश में इनको प्रज्वल रेवन्ना नहीं दिखता, इनको ब्रजभूषण नहीं दिखता, जवाब दीजिए, इनको रेवन्ना नहीं दिखता, ब्रजभूषण नहीं दिखता, संदीप सिंह नहीं दिखता। महिलाओं की बात कर रहे हैं, एनसीबी का एनसीआरबी का डाटा दे रहा हूँ, मोदी राज में 2014 के बाद 31% क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ा है। ठीक है, हम मोदी एजेंट की बात नहीं करते, जो मोदी के एजेंट हैं उनकी बात नहीं करते, हम ब्लैकमेलिंग वाले लोगों की बात नहीं करते। वो बिल्कुल महिला नहीं है, वो पीड़ित नहीं है, वो आपके परिवार के सदस्य नहीं है।
डॉक्टर साहब जवाब दीजिए, सवाल तो उसमें पूछ रहे हैं, ले लेते हैं जवाब, ले नहीं आप जवाब दो ना, उन्होंने तो बोलेंगे तो क्या नहीं, आप नहीं करेंगे आप बीच में, अरविंद जी आप जब नहीं नहीं आप बोले आपके हिसाब से सही गलत थोड़ी हुआ, आप जो चाहेंगे वो थोड़ी जवाब देंगे, नहीं नहीं आप जवाब, आपके कानों को शांति के लिए जवाब दीजिए, आप तो महिलाओं के बड़े पैरोकार हैं, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये अरे प्रदूषण के मामले में आप लोग कहाँ चुप हो गए थे, हरियाणा की बेटियां जब वहां बैठी थी तब कहाँ चुप हो गए थे, किसानों की 750 किसानों की शहादत हो गई, अरविंद जी सरकार में साथ थे, बीजेपी के साथ, बीजेपी की सरकार में साथ थे आप लोग, आप लोग अरे मलाई खा गए, अब मलाई खा गए, मलाई खा गए, मलाई खा गए, अरे आप चोरों के साथ थे, एक्सेप्ट करो पहले, आपने 4.5 साल मलाई खाई, हरियाणा की जनता का माल लूटा, आप इस चीज को बताइए, चुप हो जाइए, जवाब ले लेते हैं, स्वाति मालीवाल पे जवाब दे, देखिए स्वाति मालीवाल के विषय में सारी चीजें बता दी और जो मामला है वो पुलिस और कोर्ट के अधीन है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जो सत्य होगा सामने आ जाएगा, ये बीजेपी भी कहती तो बीजेपी जो आपने सवाल पीड़ित है नहीं है, नहीं नहीं दूध और पानी के पास है, बाकी तो आप उसे पीड़ित मान रहे हो नहीं मान रहे हो ये तो बता दो, प्रज्वल रेवन्ना का बताइए ना, जो मोदी जी कहते हैं प्रज्वल रेवन्ना की जितनी सीढ़ियां आई है निकल के वीडियो आई है, वो कह रहे हैं इनको वोट दीजिए, वो वोट मोदी को जाएगा, और प्रज्वल रेवन्ना का सवाल पूछ लीजिए ना, ये बताइए आप, आप आपकी पार्टी 9 जो ये हलके पड़ते हैं इसमें आपके कुरुक्षेत्र में जहाँ से सुशील गुप्ता जी लड़ रहे हैं, रादौर, लाडवा, शाहबाद, थानेसर, पेवा, गोलाचिका, कलायत, कैथल और पुंडरी, मतलब कहाँ कहाँ आपको लग रहा है कि बढ़त मिल रही है, कहाँ कहाँ लग रहा है कि मैंने आप, मैंने जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ था तो मैंने कहा था कि जनता का एग्जिट पोल है, उसमें इंडिया की सरकार आ रही है और हरियाणा में हम 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। अब आपने मेरे सवाल, मेरी बात पे आपने क्वेश्चन मार्क कर दिया कि हमारा स्टीक होता है, तो अभी पैरेलली 3-4 और सर्वे आ गए हैं एग्जिट पोल, तो अगर ये सर्वे एग्जिट पोल सारे ठीक हैं तो ये हरियाणा के अलग अलग एग्जिट पोल क्यों आ रहे हैं, रिजल्ट तो एक आना चाहिए जब जनता की इतनी एक्यूरेट राय है, चाणक्य का अलग आ रहा है, इंडिया टुडे का अलग आ रहा है, आप लोगों का अलग आ रहा है, असली रिजल्ट 4 तारीख को आएगा और उस रिजल्ट में बिल्कुल क्लियर है कि, और हम किसी एजेंसी की नहीं है, ये एग्जिट पोल इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे, जो जनता ने मैंडेट दिया है, जो जनता का एग्जिट पोल है, जो ग्राउंड की रिपोर्ट है, उसके आधार पर हम ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन प्रचंड बहुमत से सरकार बना रहा है, स्थिर और एक मजबूत सरकार देगा, और लोगों के जो मूलभूत मुद्दे हैं जिसके आधार पर जनता ने इंडिया गठबंधन को चुना है, उनकी उन समस्याओं को दूर करेगा और नए भारत का एक रास्ता प्रशस्त करेगा। कौशिक साहब, ये आप हिसार पे भी टक्कर बता रहे थे, मतलब टक्कर कहाँ आपको कहाँ लग रहा है कि बीजेपी के कैंडिडेट रणजीत सिंह चौटाला चौधरी देवीलाल परिवार से आते हैं और उनका भी वहाँ बड़ा 96-98 में वो भी वहाँ लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, तो कौन सी, अगर हम 9 विधानसभाओं की बात करें, कहाँ ऐसी स्थिति मान रहे हैं कि आपका जो कैंडिडेट है वो वहाँ बड़ी मजबूत कड़ी टक्कर दे रहे हैं, चाहे भवानी खेड़ा है, नलवा है, हिसार है, बरवाला है, हासी है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, हरियाणा में हम सबसे ज़्यादा सीटें इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि बीजेपी के पास तो कैंडिडेट ही नहीं थे। आप ये देखिए, नवीन जिंदल जिनको कोयला घोटाले का आरोपी चोर खुद मोदी जी कहते थे, बीजेपी में लाते हैं और आधे घंटे बाद टिकट दे देते हैं, क्या बीजेपी के कार्यकर्ता मर गए थे? वो अरविंद जी की बात आएगी कि आपको गठबंधन करना पड़ा, नहीं नहीं उस बात पे रणजीत चौटाला को इंपोर्ट किया गया, रिपीट एक ही बात आप कर रहे हो, सुनिए ना, तथ्य पे आइए ना, इसी तरीके से तथ्य पे आइए, तथ्य पे आइए, ये एनडी गठबंधन की जो माला पहन रखी है इन्होंने, अगर उसको खोलना शुरू कर दिया, इनके उम्मीदवार हैं हिसार से, वो किस पार्टी से, पूछना जरा, वो कहां से आए हैं, उनका ओरिजिन क्या है? नहीं है उनका ओरिजिन, मेरी बात सुनिए ना, क्यों कितने समय से कांग्रेस में, आपको मालूम होना चाहिए, तो हम बात करें, ये 10 साल से अब ये समय की बात करें, रावण जी से बात करें, धर्मवीर से बात करें, इनेलो से सांसद रहे, इनेलो से विधायक रहे, इनेलो के प्रदेश के बाद टिकट दे दियो, वो अधिकारी रहे, जिसे हम चोर कहते हैं, इंडिपेंडेंट विधायक रहे, वो छोड़ के अशोक चव्हाण को तो राज्यसभा मेंबर बना दिया, लाए और आधे घंटे बाद राज्यसभा की घोषणा कर दी बीजेपी ने, तो सारे चोर आज बीजेपी में शामिल हो गए। अब दरअसल अपने दर्शकों को बीजेपी ने क्लीन चिट दे दी है, दर्शकों को विधानसभा वाइज, क्योंकि आप लोगों को, आप लोग जानकार हैं पार्टी में, आप लोग काम करते हैं जमीनी स्तर पे, मैं केवल एक बात कह सकता हूं कि आम जनता ने
मोदी जी के उतारे हुए उन कैंडिडेटों के खिलाफ मतदान किया है जिन्होंने हरियाणा में लूट मचा रखी थी, जिन्होंने कूड़ा उठाने तक का ठेका चाइना की कंपनी को दे रखा था, जिन्होंने गुड़गांव नगर निगम, फरीदाबाद नगर निगम, नगर परिषद, हर जगह हजारों करोड़ के घोटालों को अंजाम दिया हरियाणा भर में, जिन्होंने हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था का जनाजा निकाल दिया, जिसके चलते हरियाणा पुलिस को एक लिस्ट जारी करनी पड़ी जिसमें अधिकांश बीजेपी नेताओं के परिवार वालों के नाम थे जो पुलिस के नाम पर दलाली करते थे और आम जनता को त्रस्त रखते थे हर तरह से हर मुद्दे पर। तो आपको इस राज में लूट मची हुई है, इन मुद्दों पर वोट मिला है, आप कह रहे हैं इन मुद्दों पर आप जीत रहे हैं, बिल्कुल जनता ने। सब ये बताइए डॉक्टर छिल्लर, ये हमने ना बहुत कई सारी सीटों की बात की है, करनाल की भी बात करेंगे, लेकिन अम्बाला, अम्बाला में हालांकि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वरुण मुलाना, विधायक भी वहाँ से मुलाना से, वो इस तरह की स्थिति जो हमारा एग्जिट पोल है उसमें ये स्थिति है कि अम्बाला भी कांग्रेस लूज कर रही है, आप ऐसी क्या स्थिति देखते हैं, ये इस बात से कितने आप इत्तेफाक रखते हैं कि कांग्रेस का विधायक और जिस तरह से वहाँ से रतनलाल कटारिया जी की पत्नी है बंतु कटारिया जी, वो बड़ा पुराना रसूख उनका रहा है, केंद्रीय मंत्री रहे, कई बार सांसद विधायक ही रहे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ वरुण मुलाना के आड़े आती है। देखिए जो इस बार का चुनाव है वो बिल्कुल अलग तरह का चुनाव था और आपने देखा भी होगा कि ग्राउंड पे आज जनता ने अपने मुद्दों के लिए वोट दिया है, जनता ने आज अग्निवीर के नाम पे हरियाणा में वोट पड़ा है, आज हरियाणा में वोट बेरोजगारी के नाम पर पड़ा है, आज हरियाणा में वोट भ्रष्टाचार के नाम पर पड़ा है, इन मुद्दों पे, ये नहीं है कौन किसका रिश्तेदार है, कौन किसका एजेंट है, कौन किसके किसके रसूख है, रसूखों के आधार पर वोट नहीं पड़ा। ये अगर आप इस तरह की बात, अगर कैंडिडेट लेकिन वोट का पैटर्न, देखिए लोक नीति का सर्वे है, चुनाव से जस्ट पहले था कि इस बार सबसे चुनाव में सबसे ज्वलंत मुद्दा जो जनता के लिए वोट करने का मुद्दा वो बेरोजगारी है, ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये सर्वे की रिपोर्ट है जो कि बहुत प्रतिष्ठित जो है सर्वे था, उसमें बेरोजगारी महंगाई नंबर एक और दो स्थान पे, उसके आधार पर वोट दिया, और हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा अग्निवीर का है, इवन हरियाणा में तो ऐसे मीम बने हैं कि जो दुष्यंत चौटाला हरियाणा के पहले अग्निवीर, एक अग्निवीर को ये 21-22 साल में रिटायर करने की कह रहे हैं और प्रधानमंत्री 74 साल की उम्र में भी एक्सटेंशन मांग रहे, तो इस तरीके की जो सोशल मीडिया पे जो मीम बने, जनता ने अपना गुस्सा उनके द्वारा उचित तरीके से दिखाया। इस तरह की जो स्थिति है ये आप लोगों के लिए अच्छी जो स्थिति वहाँ बना नहीं पाई है, ये आप मानते हैं, ये लगातार डॉक्टर छिल्लर ये कह रहे हैं कि इनको देखकर, इन चीज, इन मुद्दों को देखकर जनता ने वोट किया हरियाणा के लिए। देखिए जहाँ तक बात है, आप जब विपक्ष में खड़े हैं, पहले इन्होंने चुनाव आयोग पर उंगली उठाई, फिर ये अब न्याय प्रक्रिया पर भी उंगली उठा देंगे। मोहनलाल खट्टर ने कहा है कि बोगस वोट डले हैं, चुनाव आयोग पर उंगली मनोहरलाल खट्टर ने उठाई है, भीतर जा रहे हैं, तो अभी ये माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी घेरेंगे। मनोहरलाल खट्टर जी ने कहा है बोगस वोट पड़े, जहाँ तक जवाब तो आप बताइए, हाँ या ना, जवाब सवाल आपका है ना, क्यों बेचैन है, सवाल आपका है, बोगस वोट, सवाल आप ही का है, जवाब मनोहरलाल खट्टर जी की बात का समर्थन करते हैं, डॉक्टर खट्टर जी की बात का समर्थन करते हैं या उससे सहमत है, सहमत है, आपका ही सवाल है ना जो मैंने पूछा है, जवाब ले लो, जवाब सुनिए, मनोहरलाल जी बारे आप नहीं दे रहे, मनोहरलाल जी अगर उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे, आप अगर उनके बयानों को रिएक्शन लेना समय से रखेंगे, जो उन्होंने कहा है ब्रेक पे जाना होगा, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, और बात पूरी होने दीजिए, पेश कर दीजिए बात पूरी, आप मनोहरलाल खट्टर जी के बयान पूरे होने दीजिए, तरीके से आप जवाब ले लो, आपकी बात का ही तो जवाब ले रहा हूं, मैडम जवाब दीजिए। देखिए अग्निवीर योजना के तहत जो नौजवान जाता है उसे घर घर से घसीट कर नहीं ले जाया जाता, 21 साल के युवा को आज हरियाणा का बेरोजगार मजबूर है, आज मजबूर है हरियाणा का बेरोजगार, वो इजराइल जाने को तैयार है, यूके जाने को तैयार है, अपना मानसिक स्तर है, एक तरफ भूख मार रही है, एक तरफ गोली खाने को तैयार है, मजबूर है, भूखा है, उस मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं आप लोग, आपको अग्निवीर से, युवाओं से कोई लेना देना नहीं, अडानी अंबानी के नौकर बनाने से आपको, आपको अग्निवीर के माध्यम से अडानी अंबानी के नौकर बनाने एक पे जाना होगा, आप जवाब देने नहीं दे रहे हो उन्हें, अरविंद जी देखिए आप केवल प्रश्न करते हैं, आप उत्तर नहीं सुनते हैं,
आप अपने भीतर थोड़ा साहस की बात का एक सुनने का साहस जवाब दे सवाल करके मनोहरलाल खट्टर जी की बात का जवाब ही नहीं देते। समय कम है, एक आखिरी प्रतिक्रिया मैं ले रहा हूँ ब्रेक पे जाने से पहले। अरविंद जी, ये हम अभी अंबाला का जिक्र कर रहे थे, आप कह रहे 10 की 10 सीटों पे बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ क्या स्थिति देख रहे हैं आप अपने कैंडिडेट की? अंबाला की अब तो सोलंकी जी, मैं तो ये कहूंगा 2 दिन बाद रिजल्ट आना है, सारी स्थिति तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। 2 दिन बाद रिजल्ट आना है, हर प्रवक्ता अपनी पार्टी का ही पक्ष रखेगा। हम तो अपनी पार्टी की तरफ से जो मजबूती रही है, मेहनत की है, हम तो उसी की बात करेंगे। बाकी 2 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, जनता क्या मैंडेट देती है, जनता किसको ये मौका देती है, ये तो पता 2 दिन बाद ही चल पाएगा। हाँ, हमने अच्छा चुनाव लड़ा, 10 की 10 सीट पे चुनाव लड़ा, ये एक बड़ी बात है जो हमने कॉन्फिडेंस दिखाया। चलिए, आपका विश्वास, आपका कॉन्फिडेंस, आप कह रहे हैं कि बहुत बेहतर चुनाव लड़ा है कौशिक साहब, लेकिन इस तरह की बात लगातार आती रही कि कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा है जेजेपी का, एनएलडी का, बीजेपी को। नहीं, खैर ये तो मजबूर है क्योंकि जो शराब घोटाले में इनका रिकॉर्ड बीजेपी ने बना रखा है और घोटालों का रिकॉर्ड बना रखा है, ये तो बेचारे ब्लैकमेलिंग का शिकार हैं। उनके कौन सा शराब घोटाला? ठीक है, हरियाणा में ये बेचारे हैं, पंजाब में नहीं है। केजरीवाल जी हरियाणा में ये बेचारे हैं, पंजाब में नहीं है। केजरीवाल जी आरोप लगा रहे हैं, ये तो आपके अलायंस पार्टनर हैं। जो जो कहीं ये दोस्त हो जाते हैं, कहीं आपस में दोस्त हो जाते हैं, कहीं ये दुश्मन हो जाते हैं। एक राज्य में ये ठीक है दूसरे के लिए, दूसरे राज्य में ये भ्रष्ट है दूसरे के लिए। केजरीवाल जी वाला 9000 करोड़ का हरियाणा का शराब घोटाला है, चुनाव हो गए ना तो ये आपस में भी लड़ना शुरू हो गए। पूरी कर ले, अब ये माननीय है, अपनी बात पूरी कर ले। हरियाणा के अंदर कोरोना का, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, मैं समय का, मैं जल्दी से बात पूरी कर ले। कोरोना के दौरान नहीं, आखिरी समय में ही आपका सुर बदल गए। आखिरी कमेंट, कल तक आप तारीफ करते थे, बुराई कर रहे हो। 550 ये एक राज्य में तारीफ करते हैं, एक में बुराई करते हैं। हरियाणा के 550 से अधिक युवाओं को मोदी जी ने, खट्टर जी ने और नायब सैनी जी ने इजराइल में मरने के लिए भेजा है। जब उन युवाओं से पूछा गया कि भैया तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है कि वहां युद्ध चल रहा है और तुम नौकरी करने के लिए वहां जाना चाहते हो, उन्होंने कहा कि हरियाणा में भूखे मरने से अच्छा है कि हम इजराइल में युद्ध में जाकर मरे, कम से कम हमारे परिवार को कुछ पैसे तो मिलेंगे। इतने हाँ बिल्कुल दिखाइए। अरे अरे बोलो, दिखा दिया तो दिखा दीजिए। बिल्कुल दिखा देते हैं, पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। जवाब भी ले लेंगे ना फिर, सीमा जी यही है, पूछ लीजिए। खट्टर जी का जवाब तो किसी से कुछ भी बुलवा कर आप अपने मोबाइल में कैद कर लाएंगे तो उसका कोई इलाज नहीं है। खट्टर के विषय में 2-3 सवाल थे, आप किसी से कुछ भी बुलवा कर जवाब दे दीजिए। मनोहर लाल खट्टर जी का जवाब दीजिए, 2-3 सवाल थे, एक का भी बताइए बताइए। इनका जवाब है बोगस वोटिंग के बारे में, क्या कहा मनोहर लाल? बेरोजगारी वाले मुद्दे पर नहीं कहा उन्होंने, क्या नहीं कहा? मतलब बोगस वोटिंग हुई हरियाणा में, किसने कहा? मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा। आपके पास है पूरा बयान? बिल्कुल बयान है आपने, बिल्कुल बयान है। क्या मीडिया इस बात से इत्तेफाक रखता है कि बोगस वोटिंग हुआ? बताइए क्या मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा? देखिए अब मीडिया की साख का सवाल है, मीडिया जब जायज बात बताएगा। उनका जो बयान आया कि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, एक बोकस वोटिंग की उन्होंने बात कही, इसके अलावा दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि कुछ अधिकारियों ने इस तरह की अनियमितता है। देखिए चुनाव के बाद एक समीक्षा होती है और उस समीक्षा बैठक में कहा जाता है कि अगर चुनाव के दौरान कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है तो उसको देखा जाएगा, उसकी समीक्षा की जाएगी। मनोहर लाल खट्टर के पास कौन सा पद है जो अधिकारियों पर एक्शन लेंगे? भारतीय जनता पार्टी के बीच में देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास यही अहंकारी नकाब हम समय समय पर उतारते रहते हैं। ये तो बड़प्पन है पार्टी का, बड़प्पन नहीं, इसको अहंकार कहते हैं, इसको अहंकार। इंडिया न्यूज हरियाणा का सबसे सटीक सर्वे लगातार आपके समक्ष जारी है, 7 सीटें बीजेपी को, 3 कांग्रेस को। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।